हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैसे पैरालिसिस के पेशेंट्स का हम सर्दी आते ध्यान रख सकते हैं। जैसे जैसे ठंड बढ़ती चले जाएगी, पैरालिसिस के पेशेंट का हमें खास ध्यान रखना होता है, उसकी हाइजीन का, उसकी डाइट का, प्लस एक्सरसाइजेस कैसे करनी है टेम्परेचर मेंटेन करते हुए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है रिकवरी के लिए, क्योंकि विंटर सीजन वैसे बहुत अच्छा रिकवरी टाइम है जिसके अंदर आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा रहता है, आपका गट हेल्दी रहता है। तो जो भी आप खाना खाते हो वो पूरी तरह से पचता है, डाइजेशन इश्यूज कम आते हैं। तो जो भी हम मेडिसिन ले रहे होते हैं, जो भी ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, उसके रिजल्ट्स और अच्छे देखने को मिलते हैं। बट इस दौरान कुछ चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है, कुछ प्रिकॉशंस को फॉलो करना है ताकि पेशेंट की रिकवरी बहुत अच्छे से जल्दी हो सके। सबसे पहले टिप, हमें क्या ध्यान रखना है, अगर हम पेशेंट को डेली बेसिस पे नहीं भी नहला रहे हैं, क्योंकि ठंड जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है, पेशेंट को ठंड ज़्यादा लग रही होती है, सर्दी खांसी जुकाम हो रहा होता है, तो इस कंडीशन में पेशेंट रोज़ रोज़ नहा नहीं पाता। अगर हम डेली पेशेंट को नहला नहीं रहे हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है, डेली उसके कपड़े चेंज ज़रूर करने हैं, स्पॉन्जिंग करनी है, उन एरियाज़ को क्लीन रखना है जो फोल्ड्स होते हैं, स्पेशली स्किन के जो इन्फेक्शन प्रोन है, जैसे कि आपकी एल्बोज हो गई, आपके शोल्डर का रीजन हो गया, आपकी आर्मपिट्स हो गई, आपका ग्रॉइन रीजन हो गया, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपकी बैक्टीरियल ग्रोथ या कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि जब हम गर्म कपड़े पहनते हैं तो पसीना तो भी आता है, क्योंकि हम रूम को भी गर्म करके चलते हैं, मेंटेन करके चलते हैं टेम्परेचर, प्लस क्लोथिंग हमारी वार्म होती चले जाती है। तो पेशेंट्स कभी कभार क्या कंप्लेन करते हैं, हमें रैशेज हो रहे हैं, दाने हो रहे हैं, खुजली बढ़ रही है। उसके रहते हुए आपको डेली बेसिस पे कपड़े बदलते हुए स्पॉन्जिंग ज़रूर करना है, हाइजीन को मेंटेन ज़रूर करना है। सेकंड जो टिप का हमें ध्यान रखना है वो ये है, जब भी आप पेशेंट को एक्सरसाइज करवा रहे हैं तो एकदम ठंडी हवा में उसके बाद नहीं लेकर जाना है, या जहां हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वहां का टेम्परेचर मेंटेन हो। इसका बेनिफिट क्या होगा, आपकी मांसपेशियों में ऐंठन नहीं आएगी, आपको पेन नहीं होगा, क्योंकि जब भी हम कोल्ड एयर के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो आपका पेन स्टिफनेस बढ़ता चला जाता है। तो आप या तो इंडोर एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप अगर बाहर जा रहे हैं एक्सरसाइज करने के लिए, वॉक के लिए, तो उस टाइम पे जाएंगे जब थोड़ी धूप हो, ठंडे टाइम में अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग नहीं जाना है। दिन के समय आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, लाइक वॉकिंग या कुछ भी आप योगा कर रहे हैं तो वो इस तरीके से आप करोगे, और इंडोर कर रहे हैं तो रूम का टेम्परेचर कुछ हद तक मेंटेन कर सकते हैं। थर्ड जो टिप है, हमें क्या ध्यान रखना है, जब भी आप पेशेंट के मालिश कर रहे हैं तो जो तेल इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हल्का सा गुनगुना कर लीजिए, एकदम ठंडे तेल से मालिश नहीं करनी है, और जब आपने मालिश कर दी उसके बाद ठंडी हवा में बाहर नहीं जाना है। तो प्रेफरेबली क्या कहा जाता है, या तो आप धूप के समय मालिश कीजिए, जब दिन के समय धूप आ रही है, कोई ऐसे रूम में जहाँ पर धूप आती हो रूम को बंद कर वहाँ पे मालिश कीजिए, उसके बाद एकदम से नहीं नहाना है, कम से कम 1 से 2 घंटे का गैप होना चाहिए, या रात को सोते समय अगर आप मालिश कर रहे हैं तो रूम के अंदर हीटर या ब्लोअर चलाकर रूम के टेम्परेचर को मेंटेन करके मालिश करके फिर पेशेंट उसके बाद सीधा सो जाएगा, बाहर नहीं निकलना है। तो ये प्रिकॉशंस हमें रखनी होती है। फोर्थ टिप है, अपनी डाइट को, हेल्दी डाइट को मेंटेन करना। सर्दी आते ही क्या शुरुआत हो जाती है, हम घी तेल की मात्रा एक्स्ट्रा इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि हमारी बॉडी वार्म रहे। तो पेशेंट क्या गलती कर रहे होते हैं, पंजीरी लड्डू ये सब खाना स्टार्ट कर देते हैं, तला हुआ खाना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बजाय हमें ध्यान क्या रखना है, हम एक हेल्दी डाइट को मेंटेन करेंगे। आप नट्स का इस्तेमाल बढ़ा दीजिए, जो आपकी बॉडी को वार्मथ भी देगा, आपको एनर्जी भी देगा और ठंड से बचाएगा भी। तो नट्स के अंदर जो पैरालिसिस के पेशेंट की रिकवरी में मदद कर सकते हैं वो है बादाम, अखरोट, इनको हम भिगोकर भी खा सकते हैं। और जैसे जैसे सर्दी आती चली जाती है, ठंड और बढ़ती चली जाएगी, आप इन्हें रोस्ट करके यूज़ कर सकते हैं, दूध के साथ भी इनका यूज़ कर सकते हैं। जो पेशेंट्स नॉन डायबिटिक है, शुगर के मरीज नहीं हैं, वो शहद के साथ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नट्स को ऐड ऑन करने से भी आपकी बॉडी में गर्माहट मिलती है, रिकवरी स्पीड अप हो जाती है। आपकी जितनी भी सीड्स हैं, अलसी के बीज हो गए, सनफ्लावर सीड्स आते हैं, चिया सीड्स हैं, और इन सबको, या मखाना हो गया, इन सबको रोस्ट करके आप एक मिक्सचर बना के रख लीजिए और डेली रूटीन में मॉर्निंग इवनिंग एक छोटा चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी टिप्स मदद करेगी आपकी जल्दी से जल्दी रिकवरी लाने में सर्दियों के दौरान। आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी समझने में, जानने में कि किस तरीके से हम ध्यान रख सकते हैं अपने पेशेंट का, पैरालिसिस के पेशेंट अपना ध्यान किस तरीके से रख सकते हैं ठंड के मौसम के चलते हुए।
क्योंकि अभी धीरे धीरे मौसम बदलता जाएगा और जैसे पीक विंटर्स आएगी तो पेशेंट का बाहर निकलना कम होता चला जाता है और एक्सरसाइजेज रुक जाती है। तो आपको इंडोर ही एक्सरसाइजेस करते रहना है, एक्सरसाइजेस को छोड़ना नहीं है। आपके घर में जितना भी स्पेस है या बेड से वॉशरूम तक भी जा रहे हैं, जो पेशेंट्स कम्प्लीटली बेड रिडन थे अब थोड़ा थोड़ा चलने लग गए हैं तो पकड़ पकड़ कर वॉशरूम तक जा रहे हैं, या अंदर आपके घर में थोड़ा सा भी एरिया है वहाँ पर आप चलते रहेंगे, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहेंगे, क्योंकि सर्दियों के दौरान आपकी रिकवरी रिस्ट्रिक्ट हो सकती है अगर आप सिर्फ बिस्तर में बैठे ही रहे तो। तो हमें क्या ध्यान रखना है, जब भी धूप निकल रही है, वेदर थोड़ा अच्छा है, या घर के अंदर ही हमें मोबिलिटी बनाए रखना है ताकि आपके जॉइंट्स में पेन ना बने, मांसपेशियों में ऐंठन ना आए और आपकी रिकवरी स्लो डाउन ना हो जाए, क्योंकि विंटर सीजन गट के हिसाब से बहुत हेल्दी है। तो एक्सरसाइजेस को भी बनाए रखना है दवाइयों के साथ साथ, ताकि आपकी रिकवरी इस फेज के अंदर, आपका जो ये दिवाली से होली का टाइम है इसके अंदर काफ़ी अच्छी रिकवरी आप ले सकते हैं, क्योंकि एक हेल्दी सीजन माना जाता है ये आपकी बॉडी के लिए, क्योंकि माइक्रोबियल एक्टिविटी काफ़ी हद तक कम हो जाती है, आपका पेट बहुत अच्छा रहना स्टार्ट हो जाता है, खाना आप जो खाते हो वो पूरा पूरा पचता है। जो पेशेंट नॉन वेजिटेरियन है वो नॉन वेजिटेरियन फूड इनटेक कर सकते हैं सूप्स के फॉर्म में, चिकन सूप को आप ऐड ऑन कर सकते हो डेली डाइट के अंदर। जो वेजिटेरियंस हैं वो मशरूम का इस्तेमाल बढ़ा सकते हैं ताकि आपकी बॉडी को वार्म्थ भी मिले और आपकी बॉडी को एनर्जी भी मिले। तो सूप सबसे बेस्ट माध्यम होता है आपकी एपेटाइट को बूस्टअप करने का, आपकी बॉडी को वार्म रखने का। तो ये सारी चीज़ें आप ऐड ऑन अगर करते हैं जल्दी से जल्दी, आप इस सीज़न के दौरान ही रिकवर कर सकते हैं अपने आप को। जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में। आपके माइंड में कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। आपको लगता है कोई ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमें मेंशन कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए वही लेकर आएँ और आपको एजुकेट कर सके, अवेयर कर सके उसी टॉपिक के रिगार्डिंग, और क्लैरिटी दे सके आपके डाउट्स जो भी हैं मन में। आप हमसे आकर अपॉइंटमेंट लेकर मिल भी सकते हैं हमारे क्लिनिक पर, या अगर आप नहीं भी आ पा रहे हैं तो टीम ऑफ डॉक्टर्स से फ़ोन पर कॉल करके बात कर सकते हैं, अपनी प्रेजेंट वीडियो शेयर कर सकते हैं, अभी क्या कंडीशन है आपकी हम देख सकते हैं आपकी वीडियोस से, ताकि हम जो भी आपके लिए ट्रीटमेंट प्लान करें वो एकदम अप्रोप्रिएट हो आपकी प्रेजेंट कंडीशन को देखते हुए। जल्दी ही मिलेंगे हम आपसे, आप बने रहे हमारे चैनल पे, टिप्स को फॉलो करते रहिए, अपना खास ध्यान रखिए, टेक केयर।